हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो जो हमारे हरियाणा सीटी मेंस की सीरीज चल रही है उसका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। पहले दो प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जिसने भी नहीं देखे हैं तो एक बार उनको ज़रूर देख लें, ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो ये करवाएंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। और लगातार जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता ये प्रैक्टिस सेट की हमारी जो सीरीज है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहें, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें, साथ में नोटिफिकेशन रिंग है उसको भी दबा लें। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिस आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसको भी इनकी PDF चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, ठीक है। पहले भी बता चुके हैं फिर भी बता रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, कूल बॉय कुलबीर के नाम से सर्च कर लें टेलीग्राम पर, पहला जो चैनल आएगा उसी को आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। और ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं, सीधे बात करेंगे टॉपिक की, ठीक है। तो टॉपिक आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो अभी शुरू करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, करें कोई कमी आपको अभी भी लग रही है तो वो भी बताएं ताकि हम उसको भी दूर कर सकें, ठीक है। तो इन वीडियो की भी मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर देता हूँ CET मेंस प्रैक्टिस सेट के नाम से, ठीक है, वो आप देख लेना, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। किसी को व्हाट्सएप पे नोट्स चाहिए तो यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और चैनल जो हमारा कूल बॉय कुलबीर यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और यूट्यूब पे तो है ही, यहाँ पे भी आप इसको सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो मोक्ष स्थान जो है महावीर जी का वो आपका पावापुरी में है दोस्तों, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, ठीक है, प्रवर्तक थे, प्रथम नहीं थे सॉरी, ठीक है। और बिहार शरीफ ज़िले के अंतर्गत पावापुरी है, ठीक है। और इनका जो मोक्ष प्राप्त हुआ जब उस समय क्या 468 ईस्वी पूर्व, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और उस समय इनकी जो आयु थी वो थी आपकी 72 वर्ष, इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। जब कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1917 में, तब ये क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी, ये भी याद रखना होता है, ठीक है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, किसके द्वारा हुई थी ये भी पूछ सकते हैं, तो AO ह्यूम के द्वारा, ठीक है, AO ह्यूम, ये याद रखना है, इसके द्वारा हुई थी, ठीक है। और जो पहले अध्यक्ष थे ये भी पूछ सकते हैं, जो कांग्रेस के अधिवेशन उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि पहला जो अधिवेशन हुआ उसमें कितने सदस्य थे, तो उसमें सदस्य थे 72, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन इसके निर्माता कौन है? पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो निकचंद सैनी जो है ये रॉक गार्डन के निर्माता हैं, ठीक है। रॉक गार्डन की बात की जाए 40 एकड़ में ये फैला हुआ है, सुकना लेक के निकट है, ये भी याद रखना है, ठीक है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? ये आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला दोस्तों, ठीक है। विंध्य पर्वत श्रेणी जो है पहाड़ियों की टूटी फूटी श्रृंखला जो मध्यवर्ती भारत की ऊंच भूमि का दक्षिणी कगार बनाती है, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य जो है एकल स्थानांतरीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित होते हैं, ठीक है। निम्न में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? कौन से विषय पर? तो समवर्ती जो सूची होती है उसमें केंद्र भी कानून बना सकता है और कौन बना सकता है साथ में? राज्य भी, ठीक है। तो समवर्ती सूची इसका सही आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ब्रांड इक्विटी से जुड़ा नहीं है? तो बात करें यहाँ पे ब्रांड का आर्थिक मूल्य जो है ये यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ, बाकी ब्रांड छवि, ब्रांड की पहचान, ग्राहक का दृष्टिकोण, तीनों के तीनों इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब कोई उत्पाद बाजार में बगैर किसी ब्रांड नाम के उतारा जाता है तो उसकी तुलना में यदि उसे ब्रांड नाम के साथ उतारा जाए तो उसकी मार्केटिंग पर जो प्रभाव पड़ता है या बाज़ार में उसका जो परिणाम होता है जिस हद तक बदल जाए उसे ब्रांड इक्विटी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पता होना चाहिए क्या होती है ब्रांड इक्विटी। अंकित मूल्य से कम मूल्य पर किस प्रकार के ब्रांड जारी किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं शून्य कूपन ब्रांड, ठीक है। उसके बाद है खालिस्तान कहता है कि नियत आयतन पर
गैस की एक निर्धारित मात्रा का दाब प्रत्यक्षतः तापमान के साथ परिवर्तित होता है। तो ये हो जाएगा चार्ल्स का नियम दोस्तों, ठीक है। चार्ल्स का नियम, यह नियम जो है फ्रांस के वैज्ञानिक, चार्ल्स जो है फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने यह नियम दिया था 1787 में दोस्तों। पूछ लेते हैं ये भी, ठीक है। बात करें गेज लूसाक का नियम, ये गैसीय आयतन का नियम है, ठीक है। बॉयल का नियम, ये जो आदर्श गैस है उसका दाब और आयतन में संबंध जो उसको बताता है, ठीक है। उसके बाद है एवोगाड्रो ला जो है ये गैस से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद परमाणु के नाभिक और घटकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना इनमें से। तो बात करें प्रोटॉन के पास नकारात्मक चार्ज और न्यूट्रॉन के पास सकारात्मक चार्ज, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन के पास नकारात्मक चार्ज और न्यूट्रॉन के पास सकारात्मक चार्ज। उसके बाद है सिलोम रखने वाले जंतु कहलाते हैं। तो सिलोम रखने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं सिलोमेट, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं तो सिलोमेट बोलते हैं उनको, ठीक है। तो और जो नहीं रखते उनको क्या बोलते हैं, कूटपर्गी यानी कि सूडो सिलोमेट प्राणियों का एक संघ है जिनको सामान्य भाषा में कंठशीर्ष कर्मी कहा जाता है। इनके वैसे कशेरुकाओं के अंतर परजीवी और डिबंग संधिपाद प्राणियों के परजीवी हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा असिलोमेट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने गलत रखा, सिलोमेट आएगा, ठीक है। सिलोमेट जो रखते हैं वो तो होते हैं सिलोमेट, जो नहीं रखते वो होते हैं एसिलोमेट, ठीक है। खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रक्रिया के लिए किसके टर्मिनलों का उपयोग करते हैं, तो ये करते हैं पॉइंट ऑफ सेल का, ठीक है। POS इसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल इसका उपयोग करते हैं। एक ही समय में कितने कंप्यूटर, कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, तो केवल एक ही कंप्यूटर काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में कई उपयोगकर्ताओं कार्य नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही काम करेगा, ठीक है। रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित है, तो रायगढ़ का किला है शिवाजी से, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है कुछ। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, बात करें 1857 की क्रांति तो इनका अम्बाड़ा से छावनी से हुआ था, ठीक है। और 1857 में मेरठ में क्रांति शुरू होने के 8 घंटे पहले ही अम्बाड़ा कैंट में जो है वो क्रांति शुरू हो गई थी, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोह यानी हिसार का उल्लेख है, कौन सी पुस्तक ऐसी, तो यह है दिव्यावधान। इसमें रोहतक का भी है और अग्रोहा का भी, दोनों का है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन किया, ये किया था सर छोटू राम ने दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसे राज्य की कौन सी भाषा बनाया गया, इसे बनाया गया था दूसरी भाषा, ठीक है। उसके बाद प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था, प्राचीन समय की बात करें तो सरस्वती नदी, ठीक है, इसके किनारे था। उसके बाद है एक इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं, राय पिथौरा बोलते थे पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। उसके बाद है राजा गणपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताइए, तो ये था जींद का किला, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है जिसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, ठीक है। हरियाणा राज्य की राजधानी राज्य में स्थित है, तो हरियाणा की राजधानी जो बात करें तो ये आपकी पंजाब में है, चंडीगढ़ है, ठीक है। भारत में हरियाणा को किसके संदर्भ में 20वें स्थान पर रखा गया है, 20वें स्थान पर रखा गया है भू क्षेत्र के संबंध में दोस्तों, क्योंकि जो हरियाणा का भू क्षेत्र वो 244,212 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.4% है। ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि कितना परसेंट है, तो 1.4% है, ठीक है। भारत में बात करें तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित आपके प्रदेश हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की डोसी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो डोसी पहाड़ी जो आपकी कहाँ पे है, नारनौल में, नारनौल किस में आता है, महेंद्रगढ़ जिले में, ठीक है, ये भी याद रखना है। मुख्यालय महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय वो नारनौल है। हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है, ये होता है राज्यपाल की मंजूरी पर, ठीक है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का अनुरक्षण से संबंधित है, तो ये हो जाएगी आपकी धारा 183 है दोस्तों, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका
डी धारा 183 इम्पोर्टेंट है। धारा 180 की बात करें यहाँ पे तो ये किससे संबंधित है, मतदान स्थल जो है उसके निकट चुनाव प्रचार का विरोध करने के, ठीक है। धारा 181 की बात करें तो मतदान स्थल के निकट उत्पाती व्यवहार पर जुर्माना लगाने के, और जो 184 है ये है चुनाव अधिकारियों का प्रत्याशियों के लिए काम न करना या मतदान को प्रभावित न करना उनके लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया, ये पारित 1984 में दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अनुशासन में हरियाणा सबसे प्रसिद्ध है, तो हरियाणा जो है वो कृषि में है दोस्तों, ठीक है। हरियाणा को किसकी भूमि के रूप में जाना जाता है, ये जानते हैं, रोटी की भूमि। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इम्पोर्टेंट भी है। हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी बाकी तीन खिलाड़ियों से अलग खेल से संबंध रखती है, तो बात करें यहाँ पे कोमल गुर्जर जो है ये एक जूनियर महिला खिलाड़ी, महिला पहलवान है ये, ठीक है। कौन है ये है पहलवान। और बाकी बात करें अनिता कुंडू आपकी पर्वतारोही है, ठीक है, क्या है ये पर्वतारोही है, सब इंस्पेक्टर भी हैं फिलहाल हरियाणा पुलिस में, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, ठीक है। संतोष यादव भी एक पर्वतारोही हैं, ठीक है। ममता सोदा एक भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2010 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, ठीक है। तो बाकी पर्वतारोही हैं, ये पहलवान है। हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है, सूर सम्मान पुरस्कार तो ये दिया जाता है आपका साहित्य के क्षेत्र में, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा से गुजरने वाले दो प्रमुख और महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारे DMIC और AKIC, जब DMIC का मतलब तो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो आपने बताना है AKIC का मतलब, तो AKIC जो है वो आपका हो जाएगा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई थी, ये की गई थी रोहतक में। हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन थे, तो इसके डिजाइनर कौन थे, यादविंदर गार्डन ये आपका पिंजौर पंचकुला में है, ठीक है। इसके डिजाइनर थे औरंगजेब के जो सौतेले भाई थे नवाब फिदाई खान, कौन थे, फिदाई खान, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नवाब फिदाई खान हो जाएगा, सी ऑप्शन। फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था, तो सीधा ऑप्शन आपको दिखाई भी दे रहा होगा फतेह खां के नाम पे। हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है, इनमें से बात करें तो कुंजपुरा करनाल में आपका जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा में कुल 21 जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक कौन थे, ये थे आपके राजाराम शास्त्री, इन्होंने जाडूफिरी की रचना की थी। यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, तो हरियाणा का गांधी बोलते हैं मूलचंद जैन को, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये गांधीवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके जन्म की बात की जाए तो 1915 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था, सोनीपत में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सोनीपत के कहाँ पे, गोहाना में, ठीक है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आप खुद करके देख लें, इनकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें और खुद निकाल के देखिए, ठीक है, मैथ और रीजनिंग। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ, हिंदी के क्वेश्चन देखिए। हिंदी में आपने ये पैराग्राफ पढ़ना है और इसको पढ़कर ही आपने आंसर देना है, तो ये देख लीजिए। कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप ही होती है, क्योंकि क्यों होती है, देखिए क्यों होती है, क्योंकि कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति का सहज उछलन होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सहृदय कवि के माध्य से सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है क्योंकि, क्यों, प्रलाप रूप से कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन होता है। जैसे वो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप इनका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। कवि साधारण जन ने इस अर्थ में भिन्न है कि वह किस प्रकार भिन्न है, जो मनोभावों को शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है और साधारण जन के लिए यह संभव नहीं है, ठीक है। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। शुद्ध शब्द इनमें से छाटना है तो
दोनों जय जो है वो आदि आएंगे उज्ज्वलन में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। साधु शब्द का बहुवचन बताइए, तो साधु का हमेशा क्या रहेगा, साधु ही होगा बहुवचन। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है, तो कौन सी भाषा से लिया हुआ माना जाता है, अंग्रेजी भाषा से। इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्ग से बना है, तो बात करें यहाँ पे पर्यावरण की दोस्तों, परि प्लस आ प्लस वर्ण, ठीक है, एक से अधिक हो गए तो पर्यावरण हो गए। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद आपने करना है, उज्ज्वल का होगा उत जमा जवल, ठीक है, ए ऑप्शन होगा उत जमा जवल। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये आपका एक प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा हुआ है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम मतलब सेम, संस्कृत से हिंदी में ऐसे कैसे लिया गया है, तो ये आपका पवन, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, तो बात करें यहाँ पे चेष्टा, ये अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, अर्थ के पर्याय होते हैं हेतु धन प्रयोजन, तीनों अर्थ के पर्यायवाची। इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है, पहले भी आया था, क्या है विलोम, खगोल हो जाएगा, खग जाने खग की भाषा, ठीक है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है वो आपने बताना है, अशुद्ध वाक्य बात करें, तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी जो सारे ऑप्शन हैं बिल्कुल सही हैं। अब इंग्लिश का पार्ट आ गया, यहाँ पे आप इनको पढ़ के इनके आंसर दे दीजिए, ठीक है। यू शुड इलेक्ट मी एज क्लास प्रेजिडेंट एज आई थिंक दैट एवरी वन, तो इसमें क्या आ जाएगा, एवरी वन ओपिनियन, ठीक है, ओ पी आई एन आई ओ एन, ओपिनियन आ जाएगा इसमें, ओपिनियन मैटर्स। आई एम ए कॉन्फिडेंट स्पीकर एंड आई हैव वॉन प्राइजेज डैश पब्लिक स्पीकिंग, तो क्या आ जाएगा, हैव वॉन प्राइजेज फोर, यहाँ पे आ जाएगा फोर, एफ ओ आर, फोर पब्लिक प्राइज। आई विल मेक श्योर दैट द स्कूल काउंसिल, तो इसमें क्या आ जाएगा, लिसन्स, एल आई एस टी ई एन एस, ठीक है, एल आई एस टी ई एन एस, ठीक है। वैन पीपल कम टू मी विद प्रॉब्लम आई डैश लिसन केयरफुली, इसमें क्या आ जाएगा, आई ऑलवेज लिसन केयरफुली, ठीक है, इसमें आ जाएगा ऑलवेज। उसके बाद फिफ्थ जो ऑप्शन है, आई नेवर जज पीपल हु कम टू मी फॉर डैश यू कैन हेल्प काउंट ऑन मी फॉर हेल्प, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कम मी फॉर एडवाइस, ठीक है, एडवाइस आ जाएगा, हो गया। उसके बाद है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इनके हिसाब से फर्स्ट में ओपिनियन आया, दूसरे में फोर आया, तीसरे में क्या आया, लिसन आया, चौथे में क्या आया, ऑलवेज आया, और पांचवे में क्या आया, एडवाइस आया, ठीक है, ये ऑप्शन हो गए। अब चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम, आपने बताना सेम मीनिंग किसका, मोनोटोनस का, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है बोरिंग दोस्तों, मतलब बोरिंग होता है इसका, ठीक है, सिनोनियम यानी नीरस इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसका जो सिनोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोरिंग, ए ऑप्शन। एंटोनियम उल्टा बताना है ओपोज का, ओपोज का जो सही एंटोनियम, ओपोज का मतलब होता है रोकना या किसी चीज़ का विरोध करना, ठीक है, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा फेवर, एंटोनियम हो जाएगा फेवर, ठीक है, फेवर मतलब सहायता करना या पक्ष लेना। उसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट, ये हो चुका था, कौन सा क्वेश्चन रह गया यहाँ पे, एक मिनट, एंटोनियम हो चुका था, उसके बाद देखिए, सेलेक्ट द ओपिनियन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड, आपने बताना डिले एन इवेंट टू ए लेटर डेट और टाइम, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोस्टपोन, यानी किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना, जैसे हम एग्जाम बोलते हैं ना, एचएसएससी का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो मतलब आगे डिले कर दिया गया, लेट हो गया, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, इनमें से जो इनकरेक्ट है वो आपने बताना है, तो बात करें एस यू एम पी टी ई यू एस, ये गलत है, क्या आना चाहिए था एस यू एम पी टी यू ओ यू एस, ठीक है,
इसका मतलब होता है शानदार या फिर और क्या बोलते हैं इसको, वैभवशाली, आलिशान, ठीक है, ये हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, इसमें इनकरेक्ट आपने बताना है 95 में भी। तो यहाँ पे बात करें वेजिटेबल की, क्या स्पेलिंग होती है, वी ई जी ई टी ए बी एल ई आना चाहिए, ई बी एल ई है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू फोर सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई एरर आपने बताया, द फोटोग्राफर क्लाइम द ट्री एंड टुक पिक्चर ऑफ द लियोपार्ड चेजिंग इट्स प्रे, तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा बात करें तो ऑप्शन बी द फोटोग्राफर क्लाइम, ठीक है, द फोटोग्राफर क्लाइम की जगह पे क्या आना चाहिए, द फोटोग्राफर क्लाइम्ड, ई डी लगना चाहिए, थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वी विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, नेचर प्रोवाइड एवरी क्रिएचर ए चांस टू एग्जिस्ट, तो ए चांस टू एग्जिस्ट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, तो कुछ यूज नहीं होगा, सही है बिल्कुल सेंटेंस, ए चांस टू एग्जिट ही रहेगा, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, पैसिव में बनाना है, हाउ मैनी लैंग्वेज डू यू लर्न एट स्कूल, तो इसका हो जाएगा हाउ मैनी लैंग्वेजेज आर लर्न बाय यू एट स्कूल, ठीक है। उसके बाद है इनडायरेक्ट फॉर्म में आपने बदलना है, सरिता सेड टू मी आई एम ग्लैड आई डिड नॉट लीव माई विलेज, तो इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, सरिता टोल्ड मी सी वॉज ग्लैड सी हैड नॉट लेफ्ट अर विलेज, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, एग्जामिन द फोर जम्बल वर्ड, इनको मतलब आपने हिसाब से लगाना है, पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तो उसके हिसाब से देखिए, सबसे पहले आएगा आपका द मेहराज, ऑप्शन एक वाला हो जाएगा, ठीक है, वर न्यू कमर्स टू द नाइबरहुड, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम टू आस्क इफ दे नीडिड एनी हेल्प, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर आ जाएगा वी फाउंड बोथ टू वेरी क्विट एंड सबड्यूड, तो ये आ जाएगा थर्ड, और ये बच गया आपका आ जाएगा फोर्थ, कौन से ऑप्शन में, दो एक, तो एक दो, ये हो जाएगा सी पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन में, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को या चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और चैनल के साथ बने रहे, लगातार आपके लिए वीडियो लाते जा रहे हैं, जितना आपका प्यार मिलेगा वीडियो को उतना जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।